फोन कैसे से आपकी बातें सुनता रहा, तो मैं वो कहते हैं आप प्रेज करें ठीक हो जाएंगे, प्रेज इलाज। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी कैसे हो? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अल्लाह के करम से ठीक होंगे। तो अच्छा यार, मैं पिछले बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बना रहा, मैंने कोई ना व्लॉग अपलोड किया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने आपको पिछले कई व्लॉग्स में मैंने बताया था कि यार मुझे स्टमक का बहुत ज़्यादा इशू है, तो यार कोई नहीं ठीक हो रहा, एक दो दिन के लिए ठीक होता है फिर साथ ही जलन शुरू हो जाती है। अभी मुझे दोबारा से ना ये खुराक वाली नाली में जलन हो रही है स्टमक की वजह से, और मेरा मुँह कड़वा हो जाता है बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुझे, कसम से दिल करता है बंदा पिट्टे बैठ के, इतना रोना आ जाता है बंदे को। अच्छा यार, मैं डॉक्टर्स की बातें सुनता हूँ, तो जिस डॉक्टर के पास भी मैं जाता हूँ वो कहता है आप प्रेज करें। यार मैं जितनी प्रेज करता हूँ ये मुझे पता है यार, अल्लाह को पता है, क्योंकि मैं बिल्कुल बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दिए। लोग तो ये करते हैं ना कि खा लिए समोसा खा लिया, उसके बाद कुछ भी खा लिए, चाट खा ली, मैं ऐसे नहीं करता, मैं मूंग खा लेता हूँ या कुछ भी चीज़, मतलब फ्रूट वगैरह खाता हूँ, मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाता। तो चाय तक मैंने छोड़ दी, उसके बाद मैंने बीफ खाना छोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें यार जिसकी वजह से स्टमक ख़राब होता है, मैंने सब चीज़ें खाना छोड़ दी। मैंने पराठा खाना छोड़ दिया, उस दिन मैंने पराठा खाया तकरीबन कुछ 4-5 मिनट के बाद खाया मैंने पराठा, इतना मतलब मैं केयर करता हूँ, फिर भी यार मैं नहीं ठीक हो रहा। डॉक्टर फोन का ऐसे आपकी बातें सुनता रहा, तो मैं वो कहते हैं आप प्रेज करें ठीक हो जाएंगे, प्रेज इलाज से बेहतर है। यार मैं जितनी प्रेज करता हूँ मुझे पता है, कोई नहीं ठीक हो रहा। मैं अगर ये डॉक्टर फोन अब तक मेरी वीडियो पहुँचती है तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार कोई नहीं बंदा प्रेज से ठीक होता है, जो आप मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। तो इसलिए मैं ब्लॉग में अपलोड कर रहा, तो मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो आप दुआ भी मेरे लिए देख के इसको कर दें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। यार मैं रोज़ कहता हूँ कि मैं वीडियो बनाने के लिए जाऊँगा, पर यार तबीयत ख़राब होती है, बंदे का दिल नहीं करता बाहर निकलने का कहीं भी, तो उस वजह से ना मैं थोड़ा सा टेंशन में रहता हूँ सारा दिन आजकल, तो तबीयत नहीं ठीक, इस वजह से। तो आप ज़रूर दुआ करें मेरे लिए। तो यार ये बात है कि मैंने चेकअप बहुत ज़्यादा करवा लिया, दवाइयों की दवाइयाँ मैंने पी ली हैं, उसके बाद कैप्सूल के कैप्सूल मैं रोज़ खाता हूँ इतने, पर कोई नहीं ठीक होता, मतलब एक दिन के लिए ठीक होता है फिर उसके बाद दोबारा से वही सिस्टम शुरू। अगर मुझे सबसे ज़्यादा जलन होती है तो ये वाली खुराक की नाली है, यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मुँह कड़वा हो जाता है मेरा, सारा दिन मुँह कड़वा रहता है। तो यार आप ज़रूर दुआ करें मेरे लिए, तो इंशाल्लाह मैं अगले जब ठीक हो जाऊँगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ब्लॉग बना के अपलोड किया करूँगा यूट्यूब पर। तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे मैंने कहा वीडियो नहीं डाली, तो शॉर्ट्स में अपलोड करा था वैसे पिछले दिनों में, तो ब्लॉग मैंने नहीं डाला इस वजह से कि तबीयत ख़राब थी। तो ठीक है यार, आप भाई को दुआओं में याद रखें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, और लाजमी मेरे लिए दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊँ, फिर जल्द से जल्द ब्लॉग अपलोड किया करूँगा। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।